मीडिया में खबरों का बाजार गर्म है कि धूम 4 की जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और स्पेक्टेक्युलर होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। चलिए बात करते हैं दोस्तों धूम 4 के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि धूम 4 में कौन कौन हो सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, धूम 4 की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यशराज यानी कि YRF करेगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फर्स्ट लुक के बाद। जी हाँ दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो कि फिल्म आने वाली है 2018 नवंबर में यानी कि दिवाली के मौके पर, ऐसे में दोस्तों यशराज जो है बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और जो नाम सामने आ रहा है वो किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान का सामने आ रहा है। हाँ हाँ, आप लोग कह रहे होंगे राहुल भाई पहले तो आप सलमान खान कह रहे थे और भाईजान कह रहे थे कि भाईजान का नाम है, ये लुक है वो लुक है, लेकिन दोस्तों भाई का जिस तरीके से फिल्म लाइनअप है, जैसे कि भारत है, फिर उसके बाद दबंग 3 है दोस्तों, और बहुत सारी फिल्म बैक टू बैक लाइनअप है, तो ऐसे में दोस्तों भाई के पास टाइम नहीं और यशराज फिल्म बनाना चाहता है। और जहां तक किंग ऑफ रोमांस यानी कि शाहरुख खान जी की बात करें तो शाहरुख खान जो है सैल्यूट के मामले में ऐसी खबर चल रही है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ रही है सैल्यूट की तरफ से, और जीरो फिल्म के बाद शाहरुख खान क्या करेंगे इस पर बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। हालांकि ऑफिशियली ये सब अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जो अंदर के सोर्सेज हैं वो पूरी तरफ से एक ही बात का इशारा कर रहे हैं कि किंग ऑफ रोमांस यानी कि हमारे शाहरुख खान होंगे धूम 4 में। आपको क्या लगता है, हाँ कितना ज़्यादा मज़ा आएगा जब शाहरुख खान धूम 4 में मेन एंटैगनिस्ट बनेंगे? कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की अपडेट्स मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।